अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर थर्टीन के जो पास्टुलेट्स हैं असूल मौजूद उनको डिस्कस किया और फिर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया तो आज भी हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है और उससे पहले हमने एक पास्टुलेट भी समझना है कि द डिफरेंस ऑफ मई ऑफ टू साइड्स ऑफ़ ए ट्रायंगल इज़ लेस दैन द मैयर ऑफ़ द थर्ड साइड के मुसलस के कोई से दो अजला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िला की लंबाई से छोटा होता है हम इससे पहले जो एक पास्टुलेट बेटा डिस्कस कर चुके हैं उसमें कोई से दो अजला की लंबाइयों का मजमू तीसरे ज़िला की लंबाई से बड़ा होता है अगर आप दो ज़िला की लंबाइयों का मजमू जमा कर रहे हैं तो वो तीसरे ज़िला की लंबाई से बड़ा होगा और अगर आप मुसलस के कोई से दो ज़िला की लंबाइयों का फ़र्क लेते हैं तो वो बेटा तीसरे ज़िला से छोटा होगा आइए इसको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बात समझ आएगी रिव्यू एक्सरसाइज यूनो नंबर थर्टीन के आधा मशक में से ये क्वेश्चन है बेटा थ्री के इफ़ थर्टीन टवेल्व एंड फाइव सेंटीमीटर्स आर द लेंथस ऑफ ए ट्राई एंगल दैन वेरीफाई दैट डिफरेंस ऑफ मईर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राई एंगल इज़ लेस दैन द मैयर ऑफ़ थर्ड साइड के अगर एक मुसलस के अजला की लंबाइयाँ ये हमें तेरह बारह और पाँच सेंटीमीटर दी गई हैं तो तस्दीक करनी है कि मुसलस के दो अजला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे अजला की लंबाई से कम है तो बेटा हमें गिवन जो है सबसे पहले वो डाटा लिखेंगे कि सिंस थर्टीन ट्वेल्व एंड फाइव सेंटीमीटर आर लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राई एंगल कि ये चूंकि तेरह बारह और पाँच सेंटीमीटर किसी मुसलस की अजला की लंबाइयाँ मालूम हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बशरत सवाल अब हमने साबित करना है कि कोई से दो अजला का फ़र्क जैसा कि मैंने पहले दो अजला ले लिए तेरह और बारह अब देखें तेरह में से बारह निकालें तो आंसर मिलेगा वन सेंटीमीटर अब ये जो फ़र्क है इन दो अजला की लंबाइयों का वो है वन तो ये वन आंसर फ़र्क छोटा है तीसरा ज़िला क्या था बेटा फाइव देख सकते हैं कि वन स्मॉलर देन फाइव है कि वन लेस देन फाइव तो ये बात दुरुस्त साबित हो गई लेकिन आपने महज कोई सी दो नहीं लेकर चेक करना बल्कि वन बाय वन बाकी साइड्स को भी वेरीफाई करना है तो अब हम ट्वेल्व और फाइव ये दो साइड्स लेते हैं बारह में से पाँच निकालेंगे बेटा आंसर आएगा सात अब ये फ़र्क छोटा है तीसरा ज़िला कौन सा था अब थर्टीन तो ये इन दो बारह और पाँच दो ज़िला जब आपने ले लिए तो तीसरा ज़िला बचता है तेरह तो बारह में से पाँच निकाले सात ये फ़र्क छोटा है तीसरा ज़िला तेरह से इसी तरह अब हम थर्टीन एंड फाइव अब ये दो साइड्स लेते हैं तो तेरह में से पाँच निकालेंगे आंसर मिलेगा एट तो एट सेंटीमीटर लेंथ कम ही है ऑब्वियसली किससे जब तीसरी साइड कौन सी अब यहाँ पे ट्वेल्व सेंटीमीटर तो फ्रॉम रिज़ल्ट वन टू एंड थ्री इट इज़ वेरीफाइड दैट द डिफरेंस ऑफ मई ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ इज लेस द मैयर ऑफ़ द थर्ड कि हमने ये नतज वन टू थ्री से साबित किया कि बार बार हमने दो इजला की लंबाइयों का फ़र्क निकाला और वो फ़र्क देखा कि वो तीसरे ज़िला से हमेशा छोटा ही आ रहा है तो साबित हुआ कि मुसलस के दो अजला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िला की, की लंबाई से कम होता है देन मेरा इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको थ्री फोर एंड सैवन सेंटीमीटर ये तीन लेंथ्स दी गई हैं आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राई एंगल गिव द रीज़न साबित हमने ये करना बेटा कि ये तीन चार और सात सेंटीमीटर ये किसी मुसलस के अजला की लंबाइयाँ नहीं हैं दलील से वजाहत करनी है तो देखें यहाँ पे सिंस गिवन मैज आर थ्री फोर एंड सैवन सेंटीमीटर चूँकि या जैसा कि दी गई पेमाइश तीन चार और सात सेंटीमीटर हैं अब आप देखें ज़रा ग़ौर से कि तीन में चार जमा करें तीन जमा चार सात दो लंबाइयों का मजमू कितना आ रहा है सात और ये सात तीसरा ज़िला भी सात सेंटीमीटर है उसके क्या है बराबर तो होना क्या चाहिए था इस सम मजमू को बड़ा होना चाहिए था तीसरे ज़िला से तो जो हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एक पासुलेट कि किसी भी मुसलस के दो अजला की लंबाइयों का मजमू तीसरे ज़िला से बड़ा होता है तो यहाँ पे तो दो अजला का मजमू बेटा आप देखें कि थ्री प्लस फ़ोर सेवन और ये सेवन जो सम मजमू है वो तीसरे ज़िला के इक्वल है बराबर है लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि यही वो रीज़न है कि जिस वजह से ये तीनों जो मैरमेंट्स पेमाइशियाँ दी गई हैं ये किसी ट्राइंगल मुसलस की नहीं हैं तो मैथमेटिकल ये लिखने के बाद आपने ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है कि हेयर सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड साइड देयर फॉर दिस गिवन सेट ऑफ लेंथस कैन नाट द साइड ऑफ ए ट्राई एंगल बिकॉज द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राई एंगल इज़ ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ये उर्दू वाले इसकी रीज़न बेटा देख लें क्या लिखेंगे कि यहाँ दो जिला का मजमु कौन से दो जिला तीन और चार इनका मजमु कितना आया सात तीसरे ज़िला के बराबर है और तीसरा जिला भी क्या है बेसिकली वो सेवन सेंटीमीटर है लिहाजा ये अजला किसी भी मुसलस के नहीं है क्योंकि क्यों नहीं है इसकी वजह क्या है वो अब आपने बतानी है वो असल वजह ये है कि किसी मुसलस में कोई से भी दो अजला का मजमु तीसरे ज़िला से बड़ा होता है ये हमने पिछले लेक्चर में ये पास पढ़ा हुआ है बेटा तो इसको आपने एज ए रीज़न ये आपने लिखना है देन बेटा पार्ट नंबर बी ये है कि गिवन मेजरमेंट्स आपको हैं थ्री फोर एंड फाइव सेंटीमीटर्स ये आपको दी गई पेमाइशें हैं तो अब आपने साबित करना है कि ये कोई से दो मजमू जो है वह तीसरे से बड़ा है तो अब देखें तीन में चार जमा करें तो आंसर क्या है सेवन ये मजमु सैवन तीसरे ज़िला फ़ाइव से बड़ा है फिर आप फोर और फाइव ये दो लंबाइयाँ जमा करें आंसर मिलेगा नाइन और अब तीसरा ज़िला फोर और फाइव के बाद बचता है थ्री तो ये मजमू तीन से बड़ा ही है अब आप फाइव और थ्री को जमा कर लें आंसर मिला एट और ये सम भी तीसरे ज़िला फ़ोर से बड़ा है दस इट इज़ वेरीफाइड दैट सम ऑफ ऑफ एनी टू साइड्स इज़ ग्रेटर दैन थर्ड साइड यानी कि ऊपर से आप देख सकते हैं कोई सी दो लंबाइयों का मजमू आपने निकाला और वो मजमु सम तीसरे ज़िला से हमेशा बड़ा ही आ रहा है तो लिहाजा पास एक दो और तीन के मुताबिक ये साबित हुआ कि कोई से भी दो अजला का मजमू तीसरे ज़िला से बड़ा होता है इसलिए इन इजला की लंबाइयों की इस सैट से मुसलस बन सकती है क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि ये तीन आपको मेजरमेंट्स दी गई हैं क्या इन लम्बाइयों वाली कोई मुसलस ट्राई एंगल बनाई जा सकती है या नहीं तो ये चेक करना था तो इसके लिए चेक करने का टेस्ट क्या है कि आप कोई सी दो लम्बाइयाँ जमा करें और जवाब देखें कि वो आंसर सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए तो वो मुसलस बन सकती है लेकिन एक चीज़ याद रहे बेटा कि आपने महज कोई दो सेट लेकर नहीं करना बल्कि वन बाई वन दो 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 लेकर तमाम तीनों लंबाइयों को चेक करना है कि तीनों लंबाइयों में से कोई से भी दो लंबाइयों का मजमू तीसरे से बड़ा होना चाहिए जैसा कि अब अगर आप इस प्रीवियस लेक्चर में सॉरी क्वेश्चन में देखें तो सेवन और थ्री को अगर आप ऐड करें सेवन प्लस थ्री टेन जो कि बड़ा है फोर से इसी तरह सेवन में फोर करें करेंवन वो भी बड़ा है थ्री से इस केस में तो दो लंबाइयों का मजमू तीसरे से बड़ा आ रहा है लेकिन जब आप ये दो लम्बाइयाँ लेते हैं थ्री एंड फोर सेंटीमीटर्स इन दो को जमा करके तीसरी जो साइड है वो उसके जवाब उसके इक्वल आ रहा है उससे बड़ा नहीं आ रहा इसलिए फिर ये लंबाइयाँ हैं जो किसी मुसलस की नहीं हो सकती इसमें हमने बेटा आज के इस लेक्चर में भी अगेन यूनिट नंबर थर्टीन के पास्टूलेट्स को डिस्कस किया अब आपने ये काम करना है कि इन पास्टूलेट्स को प्रीवियस लेक्चर को भी एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करना है उसके पास्टूलेट्स मौजुआत को पढ़ें गौर से समझें इनको एज़ ए क्वेश्चन यानी कि डेफ़िनेशन के तौर पे याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें ताकि आपको इनका कंसेप्ट क्लियर हो सो so दैट इनको ये आपने यूज़ किया है रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में अल्लाह हाफ़िज